ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस आलाकमान से काफी लंबे समय से नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई आखिरकार बीजेपी में शामिल हो ही गए। हरियाणा के दिग्गज नेताओं में शुमार कुलदीप बिश्नोई ने गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में अपनी पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान बिश्नोई ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। इससे पहले बुधवार को कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देते हुए कहा था कि हुड्डा साहब मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़े, यह मेरी चुनौती है। बिश्नोई के इस बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उदय भान ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई की औकात ही क्या है, उन्हें हराने के लिए हमारा छोटा कार्यकर्ता ही काफी है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने आगे कहा कि जो अपने 6 विधायकों को नहीं संभाल पाया उसकी क्या औकात है कि कांग्रेस के किसी विधायक को तोड़ ले। कुलदीप बिश्नोई के इसी रवैये के चलते चौधरी भजनलाल के करीबी इससे दूर हुए। कुलदीप बिश्नोई ने आज तक सड़क पर संघर्ष नहीं किया है, केवल विदेशों में जाकर आराम किया है। आने वाले समय में आदमपुर हलके से भी कुलदीप बिश्नोई की हार तय है। उन्हें हराने के लिए उपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता भी उन्हें पटकनी देने में सक्षम है। कुलदीप बिश्नोई के भाजपा में शामिल होने पर उदय भान ने कहा कि कुलदीप से राजनीतिक स्वार्थ और परिवक्ता, आयकर, ईडी की कार्रवाई और दलित विरोधी मानसिकता के चलते कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया है। इस फैसले में दूर दूर तक जनता और जनहित की विचारधारा नजर नहीं आती। बिश्नोई को आश्रय देने वाली भाजपा के लिए भी यह कदम घातक सिद्ध होगा। आदमपुर में समाज वोट की चोट से बिश्नोई व भाजपा को जवाब देगा। दोनों के बीच संगम अंदर खाने बहुत पहले ही हो चुका था। अब स्पष्ट हो गया है कि 2019 विधानसभा चुनाव में बिश्नोई पर भाजपा की मदद करने के आरोप सत्य हैं। उन्होंने जानबूझकर अपने कोटे से ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिलवाई थी जिनकी हार सुनिश्चित थी। आगे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि पार्टी के भीतर रहकर उसे खोखला करने वाले लोग अगर बाहर जाते हैं तो इससे संगठन को नुकसान होने की बजाय मजबूती मिलेगी। बिश्नोई के लिए पार्टी छोड़ना, पाला बदलना और अपने बयानों से पलटी मारना कोई नई बात नहीं है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो हरियाणा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।